हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सोनी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको फ्लाई स्टिच विथ चैन स्टिच सिखाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ धागे बाहर निकाल लिए हैं और फिर दूसरे साइड से यहाँ पर धागे को बीच में मैंने जो पॉइंट बनाया वहाँ से निकाला और धागे को नीडल को ऐसे करके खींचेंगे। और खींचने के बाद उसको बीच में, ये दोनों के बीच में हम घुसा देंगे और नीचे से खींच लेंगे। अब ऐसे ही फिर से जो मैंने पॉइंट बनाया है वहाँ से नीडल को बाहर निकालेंगे और इसके साइड में, और यहाँ से नीडल को बाहर निकाल लेंगे और फिर से दूसरे साइड नीडल को ले जा कर के बीच में जो मैंने पॉइंट बनाया है वहाँ से, यहाँ से नीडल को बाहर निकाल करके धागे को घुमाकर हम ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर से इसको वापस जैसे पहले किए थे वैसे ही नीचे से खींच लेंगे। और आगे हम ऐसे ही करते जाएंगे। ये देखिए, पूरा हम ये लाइन को ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्लाई स्टिच बन गया है। अब इसके ऊपर से हम चैन स्टिच बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो ये बीच पॉइंट है यहाँ से नीडल को बाहर निकालूँगी और जैसे हम चैन स्टिच बनाते, चैन ही स्टिच ही बनाना है, तो चैन स्टिच यहाँ पर बीच पॉइंट से नीडल को बाहर निकालते हुए बनाएंगे। और ऐसे ही जितने भी हम फ्लाई बनाए हुए हैं, फ्लाई स्टिच के जो बीच का जो पॉइंट है वहाँ से हम नीडल को निकालते हुए पूरे लाइन पे चैन स्टिच बनाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लाई स्टिच विथ चैन स्टिच कंप्लीट हो गया है। तो ये स्टिच आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप सीख गए होंगे। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।